हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम एक और डिस्ट्रॉइंग वाला टारगेट शूटिंग का वीडियो बना रहे हैं। तो आज है मेरे पास ये ब्रीजर की जमैकन पेशन तो आज इसको टारगेट करेंगे हम हमारे प्रेसियो स्पोर्ट्स एनएक्स 200 रथिना से। डिस्टेंस आज मैं ज़्यादा नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि कांच का टुकड़ा होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है फूटेगी अच्छे से। तो मैं इसको उस जगह पे नहीं रखने वाला हूँ जहाँ पे मैं नॉर्मली अपने टारगेट्स को रख के शूट करता हूँ। आज मैं थोड़ा इधर आप लोग देख पाऊँ तो अभी मैं आपको बताऊँगा, मैं इधर की साइड रखने वाला हूँ ताकि जो भी कांच के टुकड़े होंगे वो नीचे जो हमारे पास में खाली प्लॉट है जहाँ पे सिर्फ मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर हैं तो वहाँ पर ही गिरे, क्योंकि किसी का आना जाना नहीं है तो किसी को किसी तरीके की इंजरी भी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं प्रैक्टिसिंग के लिए ज़्यादातर यूनाइटेड शॉट टेलीमीटर यूज़ करता हूँ, जो कि पॉइंटेड 0.177 कैलिबर की फिलेट्स हैं। तो नॉर्मली मैं यही यूज़ करता हूँ अगर मुझे प्रैक्टिस करनी रहती है या नॉर्मल टारगेट शूटिंग का कोई वीडियो बनाना रहता है तो उसके लिए। ये मुझे 350 रुपीज़ की 500 फिलेट्स मिली है। ये 0.69 जो कि अपना फेवरेट नंबर है 69 ग्राम्स की है, मतलब 6.9 ग्राम्स की। तो ये काफ़ी अच्छी पिलेट है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी अच्छी है 0.177 कैलिबर में। तो पॉइंट के लिए भी पॉइंटेड भी है, प्लस लॉन्ग रेंज के लिए भी है, प्लस इम्पैक्ट भी अच्छा है। तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ, सस्ती भी आप लोग समझ सकते हो, तो बजट भी देखना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ है हमारी एनएक्स 200 अथीना, ये देखिए। आप लोग सब जानते हो ज़्यादातर मैं इसी गन से अपने वीडियोस बना रहा हूँ, तो ज़्यादातर वीडियोस में इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए आइए अपने टारगेट को उसकी जगह पे रखते हैं। मैं 20 फुट की दूरी से शूट करने वाला हूँ, 20 का 25 ही ले लेते हैं। तो रूम के अंदर से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपने टेरेस के, वहाँ से लेंगे 25 फीट से करते हैं चलो शूट। तो आइए रखते हैं बॉटल। तो दोस्तों, इसको यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि इसके सामने ये जो घर बना हुआ है इसके इधर मैं रख रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे, ताकि क्या जो पिलेट शूट होगी वो 90 डिग्री का एंगल बना के पीछे दीवार पे लगेगी, किसी को हार्म भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से एक मिनट मैं ट्राईपॉड लगा देता हूँ। आज का ये वीडियो मैं एक्चुअली बस मन हुआ कि चलो बनाया जाए इसलिए बना रहा हूँ। तो एक मिनट। तो दोस्तों, बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से शूट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी गन यहाँ पर मैंने अपनी गन को लोड कर दिया है, ठीक है। हाँ, थोड़ी गंदगी है उसको इग्नोर करो। और अब यहाँ पे हम शूट करेंगे यहाँ से। आई होप आप लोगों को अपना टारगेट दिख रहा होगा, मैं यहाँ से ही थोड़ा तो चलिए शूट कर रहा हूँ मैं। लोड कर दिया है मैंने। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा उस कांच के टुकड़े हो गए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो ये देखिए, बॉटल का सिर्फ नीचे वाला पार्ट रह गया है, यहाँ पर पूरी बॉटल के टुकड़े हो चुके हैं। और
पता नहीं कहाँ जाके गिरे होंगे, यहीं कहीं गिरे होंगे। बाकी आप लोगों ने देखा प्रेसियो स्पोर्ट्स की पावर क्या लाजवाब है। निशाना भी अच्छा था पहले ही शूट में, और देखिए इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में प्रेसियो स्पोर्ट्स NX200 रथिना ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे अच्छी और बजट वाली गन नाइट्रो पिस्टन के साथ नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कितना ज़बरदस्त पावर के साथ 25 फीट की दूरी से उसने ब्रीजर की बॉटल की कांच की कितने खतरनाक टुकड़े किए कि मतलब सिर्फ नीचे का बेस रह गया, जो कि काफ़ी मोटा ग्लास होता है आप लोग सब जानते हैं। तो मैं तो खुश हुई सही, और आप में से जो भी लोग हो जो प्लान कर रहे हो एयर राइफल लेने का, तो मैं तो कहूँगा कि आप इसी गन को लो, क्योंकि 15,000 से लेकर 13,000 के बीच में ही आती है, 15,000 या 13,000 के बीच में ही है इसकी रेंज अभी फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर हो गई है ये अपने इंडिया में, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हो मेरा पूरा चैनल ही इसको ही डेडिकेटेड है एक तरीके से, इनडायरेक्टली कोई पेड प्रमोशन नहीं है इसका। बाकी मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी इस गन से, इसलिए इसके वीडियोस बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ पे मैं वापस से कोई वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद। And now folks, it's time to say good night. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.